राम राम गणिक मा। आप सभी रो मारे YouTube चैनल भानु जी के जीएस माता है घणो घणो स्वागत ने अभिनंदन करो। तो आप लोगों ने पतो वेला कि अपने जो राजस्थान रो खूबसूरत विषय जिनो नाम कला संस्कृति रे बारे में अपे चर्चा कर रहे हैं। कला संस्कृति रे मोहिने अपनो टॉपिक हो राजस्थान रा लोक देवता। कला संस्कृति रे मोहिने अपनो टॉपिक थो लोक देवता। लोक देवता लोक देवता रे महीने अपे बात करी काले बाबू जी रे बारे में छोरी गोगा जी रे बारे में काले बात करी। तो गोगा जी रे बारे में बात करी कि गोगा जी रो जन्म किन स्थान में थयो कद हुओ और गोगा जी रे बारे में सामान्य प्रति रे बारे में अपे काले जानकारी। तो जन्म एक जाति ईस्वी में ददरे वसूर में पिताजी रो नाम जेवर जी माता जी रो नाम बासल दे। पत्नी रो नाम पहले सूर्य दूसरी पत्नी नाम कमल केलम दे। इन बारे में बात करी और अंतिम पड़ाव रे ऊपर अपना जो टॉपिक चल रहे तो बिंड रो नाम गोगा जी रे तो जो प्रमुख पूजा स्थल बिंड रे बारे में कल बात करी थी। तो लास्ट में ऊपर पूजा स्थल के बारे में बात करे पूजा स्थल में काले पे बात करी किलरी और ढाणी छासोर जालोर रे मायने जो गोगा जी जिन्हें गोगा जी ओवडी कहे गोगा जी रो मंदिर बनायो बिनो निर्माण राजा राम ने करवायो। इतनी अतर तक पे बात करने रे बाद में आज ऊपर अगलो टॉपिक है ददरेवा सुरु इन स्थान ने माते गोगा जी सिर मेड़ी ददरेवा सुरु रे महीने स्थित यहाँ गर्दन की पूजा की सिर की पूजा की जाती गर्दन की पूजा की जाती सिर्स मेरी ददरेवा सूर्य में यहाँ पर गोगा जी रो सिर गिर बाद दूसरो स्थान है जिन्हें बारे में बात कर लो तो गोगा मेड़ी कहाँ पर है नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी गोगा मेड़ी ने कही कहवा धुर मेड़ी किन वास्ते कह क्योंकि इन स्थान माते गोगा जी रो शरीर गिरो इन कारण धुर मेड़ी नोर हनुमानगढ़ में और यहाँ पर अश्वर हुई मूर्ति लगी है यहाँ पर पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया पहला निर्माण करा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किन्होंने करवाया महाराजा गंगा सिंह ने करवाया और आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया और मुख्य द्वार पर यानी उसकी द्वार दीवार पर लिखा है बिस्मिल्ला। क्या लिखा है बिस्मिल्ला सब और साथ में उठ बिस्मिल्ला शब्द लिखा है दीवार पर। बिस्मिल्ला का अर्थ होता है सूप और इसकी आकृति कैसी है मंदिर की आकृति है कहा जाता है मकबरा नुमा मकबरे नुमा आकृति है। तो इनके बारे में बात करी गोगा जी पुजारी के बारे में बात करो गोगा जी पुजारी के बारे में बात करो तो बात कर पूजा स्थल के बारे में बात करी कि पूजा स्थल पहला वो बात करी किलेरी और ढाणी सासोर महीने गोगा जी रो कच्चो मंदिर है जिन्हें गोगा जी ओल्डी कहवे गोगा
अंधेरी और क्या, दूसरी बात करी ददरे वासुरु में, तीसरी बात करी ददरे वासुरु में, ददरे वासुरु में, और तीसरी बात करी नोर हनुमानगढ़ में पुजारी, पुजारी को क्या कहते हैं, चायल कहते हैं पुजारी को, शायद पुजारी 11 माह तक मुसलमान होते हैं, कौन होते हैं, मुस्लिम होते, और एक माह एक महीने हिंदू होता है, हिंदू होते है। मुसलमान क्यों, क्योंकि गोगा पुजारी के बारे में बात करो तो 11 माह तक हिंदू, सॉरी 11 माह तक मुसलमान, क्योंकि तीसरा जी के, सॉरी गोगा जी के जो 12वें पेटी के वंशज थे जिसका नाम था कर्म सिंह, कर्म सिंह, तो इस कर्म, जो कर्म सिंह हिंदू थे, इसका धर्म परिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन करा इसने मुसलमान बना दिया, मुसलमान किन ने बनायो, फिरोज शाह ने, फिरोज शाह ने मुसलमान बनायो, तो वो कह रहे हैं कि बाबू जी मोरा वंशज है, के बाबू जी मोरा वंशज है, इन कारण बाबू जी का ज्यादा अधिकार मोरो है इनका खातिर, ये जो इनका वंशज कह रहा है वो कायम खाली मुसलमान कहना है, तो कायम खाली मुसलमान है जो बाबू जी के 11 माह तक मंदिर में पुजारी होता है और एक माह हिंदू होता है। मेला कब लगता है बाबू जी के यहाँ पर, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या लगता है, मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है जी। हमारे गोगा जी यानी गोगा जी अपना गोगा जी के बारे में बात कर ली, गोगा जी जन्म के निस्तार माता है वो दंद्रे वसूर माता है, पिताजी रो नाम बारे में बात करी, गुरु गोरखनाथ जी छापर लोक देवता कहवे, जहर पीर कहवे है, गुरु नाम गोरखनाथ जी, वाद्य यंत्र बारे में बात करी, वाद्य यंत्र डेरू गीत सावली पुजारी साहिल कहलाते, इनका बारे में बात कर आज अपना अगला टॉपिक है, आज अपना जो अगला लोक देवता है बीडर नाम है हड़बू जी महाराज के, हड़बू जी महाराज, हड़बू जी, हड़बू जी, तो हड़बू जी महाराज कोणा, और हड़बू जी महाराज ने किन खातिर लोक देव राय छाणी मेरे क्या इन बारे में, तो हड़बू जी महाराज रो जन्म 15वीं सदी रे महीने पिताजी रो नाम मेहाजी सांख ला, क्या था मेहाजी सांकला, पिताजी रो नाम मेहाजी सांकला, पिताजी रो नाम मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला, और जन्म जन्म भुंडेल नागौर में हुआ, भुंडेल नागौर रेमाइंड नागौर रेमाइंड जन्म भुंडेल रागर सॉरी मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला जाति, जाति के बारे में बात करो तो जाति राजपूत के, राजपूत, और गोत्र के बारे में बात करो तो गोत्र शाखला, शाखला गोत्र, शाखला गोत्र, अपने महत्वपूर्ण ध्यान रखना जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, बुंदेल गांव नागौर में, गोत्र शाखला और राजपूत जाति, सवारी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सवारी, सवारी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सवारी को याद रखना, सवारी है सीहार, हालांकि मैं वो अपने अंतिम में अंतिम लोक देवता पूरा होने रहे भाद्र महीने हूं, तुम्हें अलग लिखाऊंगा लोक देवता और इन्हें कई सवारी है, क्योंकि अगर लोक देवता मैं ज्यादातर प्रश्न पूछ जाने की संभावना है तो सवारी मुँह पूजा है तो मैं वो थोड़े लास्ट महीने लिखा दूंगा। सवारी के बारे में बात करी, जन्म रे बारे में बात कर ली, और आगे गुरु नाम, गुरु रो नाम, गुरु रो नाम बालीनाथ, क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, के थे मौसेरे भाई थे, मौसेरे बालीनाथ, बालीनाथ, बालीनाथ जी की गुफा कहां पर है, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी, पहाड़ी मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी, पहाड़ी मसूरिया पहाड़ी किन स्थान में आता है, जोधपुर में,
जोधपुर महीने, सूर्य पहाड़ी किन स्थान में आते है, जोधपुर महीने है। तो बात करने के बाद में आगे सुनाऊ, आगे आगे अगर बात करूं तो ये आप लिख लो कि जन 15वीं सदी में, पिताजी का नाम मिहाजी सांकला, जन्म स्थान भूडेल गांव नागौर महीने हु, जाति राजपूत और गोत्र गोत्र बारे में बात की, सांकला सवारी, सवारी याद रखना क्योंकि सवारी इंपॉर्टेंट है और सवारी एक और ये जन्म स्थान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। सवारी सवारी सिंहार और जल जन्म स्थान भूडेल गांव नागौर महीने और गुरु का नाम बालीनाथ। आगे बात करो ना पूजा स्थान, तब जब राव जोधा ने मंडोर को खोलिया था तब रघु जी के आशीर्वाद से उन्हें पुनः मंडोर की प्राप्ति हुई, उन्हें मंडोर की प्राप्ति का ऐसा भी कहा जाता है कि उसको मूंगों की दाल दी थी, यानी जितनी देर तक आप अपना पेट के अंदर मूंगों की दाल रखोगे और जितने दूर तक आप जा सके उतनी दूर तक वो एरिया वो स्थान थारो हो जाएगा। तो कहा जाए कि राव जोधा मंडोर चारा और शकर लगाई, इनका मंदिर मंडोर वो राव जोधा ने हासिल हो गई। तो इन प्रभावित तो होने राव जोधा ने बैंक टी नामक स्थान में थे, बैंक टी नामक स्थान फलोदी जोधपुर महीने, फलोदी जोधपुर भेंट की, क्योंकि राव जोधा ने फलोदी भेंट की भेंट किया, तो बैंकटी गांव था ये, राव जोधा ने अड़बू जी को भेंट किया। अड़बू जी गोरक्षक देवता कहती है क्योंकि अड़बू जी जो लासार गाय होती थी, जो विकलांग गाय होती थी, उसके लिए आपके पास एक अड़बू जी के पास में एक बैलगाड़ी थी, बिन बैलगाड़ी रे मायने वो गायों लिए घास लाते थे और जो लाचार गाय थी उसकी सेवा करते, तो जीवंत पर्यंत हड़बू जी ने गायों रे वास्ते सेवा की, इन कारण गो सेवक लोक देवता कही जा, कहीं कहे गो रक्षक लोक देवता भी, गो सेवक लोक देवता भी कहे हड़बू जी ने। तो इन स्थान माते हड़बू जी की मूर्ति नहीं है, इन स्थान माते बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी की पूजा है, मूर्ति नहीं है, बैलगाड़ी की पूजा है। और मेड़ो भाद्र पद शुक्ल दशमी मेड़ो मंदिर निर्माण किसने करवाया, निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। बैंकटी गांव जोधपुर महीना ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्रश्न आएगा एग्जाम में कि भाई अड़बू जी के मंदिर के अंदर है अड़बू जी की मूर्ति, बैलगाड़ी, सियार की मूर्ति, गाय की मूर्ति, तो उसमें आपको टिक लगाना है अड़बू जी बैलगाड़ी की पूजा होती है, मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब बात करी पूजा स्थल के बारे में, पूजा स्थल के बारे में बात करने आगे बढ़ोला, राव जोधा ने भेंट कियो, सन्यासी लोक देवता कहे सुगुण शास्त्र की ज्ञाता, यानी जो भविष्य में होने वाला मुझे पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्या है सुगुण शास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना, क्योंकि सन्यासी बनियासी ये याद रहे तो नहीं रहे, बाकी इसको याद रखना है क्योंकि ये कई कंपटीशन एग्जाम में महीने भविष्य दिखावड़ो है, तो इन्हें ध्यान रखे। उन्होंने बात
बाद में है गो रक्षक यानी गो सेवक देवता, गो सेवक देवता, गो सेवक देवता, गो सेवक, गो सेवक, गो सेवक। तो अब हेडबू जी के बारे में बात करिए। हेडबू जी जन्म 15वीं शताब्दी रे महीने भूंडेल गांव नागोरे महीने हो। पिताजी रो नाम मियाजी सांगला और जाति राजपूत और गोत्र सांकला। गुरु रे बारे में बात की, गुरु बालीनाथ जी और के बाबू बाबा रामदेव जी रा मौसेरा भाई है। इन्हें बारे में आके पूजा स्थल बारे में बात करी, पूजा स्थल अब बात करी कि इन्होंने जो पूजा स्थल है बैंकटी गांव, ये बैंकटी गांव वाला जोधा ने भेंट किया था। तो मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है। और यहाँ पर इन मंदिर निर्माण किन्ने करवाया? मंदिर निर्माण करवाए अजीत सिंह ने, मंदिर निर्माण अजीत सिंह ने करवाई। उपनाम ने बार उपनाम मेरे बारे में बात करी तो सन्यासी राजा एवं सुगुन शास्त्र के ज्ञाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सुगुन शास्त्र ज्ञाता के बारे में गो सेवक देवता, गो सेवक देवता। और बात करी सवारी के बारे में, सवारी के बारे में बात करी शिया रे सवारी। तो आज बस अत्रोई विदाई लेनी सामू आप सभी हूँ। जय जय राजस्थान, राम राम। अगर आपने हमारे YouTube चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी है तो YouTube चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हूँ राजस्थान इतिहास रे साथ साथ अब राजस्थान रा भूगोल रा भी वीडियो डालने वाला हूँ और राजस्थान री इतिहास रे बारे में भी वीडियो डालने वाला हूँ। इन खातिर आप पहले हमारे YouTube चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।